हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय नाम इज मनीष गुप्ता एंड यूर वॉचिंग बी एस सी तो गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप सभी जानते हैं बी जेड वाई सी टी वन थ्री वन आपका कोर्स कोड है और एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है और यूनिट वन हम पढ़ रहे थे यूनिट वन में आपका फाइलम को डेटा था तो फाइलम को डेटा कहें या प्रोटोको डेटा कहें ठीक है जस्ट यूनिट uh, uh, का नाम प्रोटोको डेटा है बट अभी हम यहाँ पे को डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं देन वॉल्यूम तू जो है हमारा यहां पे आ, ये बुक है ठीक है तो देन प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था वो था हमारा सिफेलो कॉडेटा तो आई होप सो आप सभी को ये जो प्रीवियस वाला टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ में होगा अगर जिस किसी ने भी अगर इस प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं कराया तो फटाफट इस वीडियो उसको जाके देख लें देन तभी इस वीडियो पे आए तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा देन आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वटी ब्रेटा होगा ब्रटी ब्रेटा को हम क्रेनेटा भी कहते हैं तो आज हम वटी ब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे तो देन यहाँ पे आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं एट लिंक आपको

आपके फिशेज में मिलेंगे है ना आ, तो इन सभी स्पीसीज में आपको ये क्रेनेटा बोन जो है क्रेनियम बोन जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा क्रेनियम कवर है ना ये आपका कार्टिलेज या बोन दोनों से मिलके बना होता है तो देन यहाँ पे हम बात कर रहे थे वटिब्रेटा का तो यहाँ पे वीडियो की टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फटाफट हमारे आप यूट्यूब चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे तो हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी तो देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसा कि यहाँ पे हमारा जो थर्ड सब फाइलम है जिसे कि हम वटिबरेटा कहते हैं तो ये जो कोडेट का जो फाइलम है सब फाइलम जो है ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज है और डायवर्स वर्टिब्रेटा है यानी इनमें सबसे ज़्यादा आपको डायवर्सिटी देखने को मिलेगी यानी कहने का मतलब है अलग अलग तरह के स्पीसीज अलग अलग तरह के मतलब जो भी स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो आपको बहुत अलग अलग अगर हम बात करें एविस की तो ये आपको बर्ड लाइक जो स्पीसीज है ये आपको एविस में देखने को मिलेगा या फिर हम एम्फीबिया की बात कर ले तो एम्फीबिया आपको देखने को मिलेगा फिर उसके बाद हम बात करें रेप्टाइल्स की तो रेप्टाइल भी इसी में आता है देन उसके बाद हम बात करें जस्ट uh, uh, ये क्या कहते हैं मेमलिया की तो मेमेलिया भी आपका इसी में आता है है ना तो कहने का मतलब ये है और चाहे हम uh, पा, पाइसिस की बात करें ठीक है तो ये सभी जो आपके जो वेरियस क्लासेस हैं इनमें आपको लार्ज डायवर्सिटी देखने को मिलेगी और सभी स्पीशीज एक दूसरे से अलग देखने को मिलेंगे तो देन इसलिए हम इसे कहते हैं सबसे लार्जेस्ट कोडरेट सब फाइलम है ये और साथ ही साथ ये डायवर्स वटीब रेटा है काफ़ी ज़्यादा डायवर्स ग्रुप है ये देन बात करें हम इसके ग्रुप की तो ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप है यानी शेयर्स द बेसिक कोडरेट कैरेक्टरिस्टिक विथ द अदर टू सब यानी ये क्या है ये मोनोफाइलेटिक होते हैं और साथ ही ये बेसिक करेक्टर जो हैं जो अभी हमने प्रीवियस में जो दो सब फाइला पढ़े थे यानी और उसके साथ ये बेसिक जो है, हैं हैं शेयर करते समझ में आ रही है बात यानी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स मैंने होलमार्क्स के बारे में बताए थे फाइव होलमार्क्स क्या क्या होलमार्क्स हैं तो बार बार मैं आपको रिमाइंड कराता रहूंगा चाहे हम बात कर ले नोटो कोड की चाहे हम बात कर ले डोरसल नर्व कोड की चाहे हम बात कर ले एंडोस्टाइल की चाहे हम बात कर ले जस्ट फेरेंजलिट्स की या फिर हम बात कर ले पोस्ट एंड डिटेल की तो ये कुछ बेसिक करेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल इनसे सिमिलर देखने को आ, मिलेगा जो हमारे प्रीवियस जो हमने सिफेलो और यू करो यूरोडेट्स के बारे में पढ़ा था देन बात करें हम बट इन एडिशन इट एग्जिबिट अ नंबर ऑफ नोवेल करेक्टर्स पर इनके अलावा भी ये बहुत ही एक अलग अलग प्रकार के करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं जो कि आपको प्रीवियस जो फाइल में आपको देखने को नहीं मिला होगा सब फाइला में देखने को नहीं मिला तो देन उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और देखिए ये क्या है डेड द अदर डू नॉट शेयर ठीक है तो ये uh, uh, बाकी सारे फाइल क्या होते हैं नहीं शेयर करते हैं जस्ट मैंने अभी बताया ना वो यूरोटा और सिर्फ एलो में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये चीज ये करेक्टरिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ वटिबरेट में देखने को मिलेगा तो देन अल्टरनेटिव नेम जो है इस सब फाइलम का यानी हम अगर कभी वटिबरेटा ना बुलाएं तो इसको हम क्या बुला सकते हैं तो हम इसको जस्ट क्रेनिटा बुलाते हैं क्लियर है क्रैनिएटा क्रैनिएटा ठीक है ये मोर एक्यूरेट और डिस्क्राइब करता है इस ग्रुप को क्योंकि इनमें मैंने क्या बताया इन सभी स्पीशीज में एक क्रैनियम लाइक बोन क्या कहते हैं कवर पाया जाता है जो कि एक तरीके से बोनी uh, और कार्टिलेजियस क्या होता है ब्रेन केस होता है यहाँ बॉडी लिखा है जस्ट बॉडी नहीं होना चाहिए बोनी होना चाहिए है ना बोनी या फिर कार्टिलेजियस ब्रेन केस होता है देन उसके बाद यहाँ पे क्या सम जोलेस फिशेस भी आपको इसमें क्या है वर्टिब्रेट्स uh, में मिल सकते हैं ठीक है मतलब जोले जोलेस फिशेस जो है उनमें लैक वर्टिब्रा यानी वर्टिब्रा नह, नहीं देखने को मिले तो देन उसकी भी हम बात करेंगे तब यहाँ पे अडेप्टन की बात कर लें यहाँ पे अडेप्टन के बारे में लिखा है अडाप्टेशन डेट गाइडेड अर्ली वर्टिब्रेट इवोल्यूशन यानी जो भी इनमें अडाप्टन हमें देखने को मिलता है और जो अर्ली वर्टिब्रेट्स में किस तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ हुआ अर्ली मतलब जो पहले हुआ करते थे जो आज के समय में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो उनसे किस तरीके से इनमें इवोल्यूशन हुआ है तो बात करें हम यहाँ पे लिखा है अर्लीएस्ट वटी लार्जर एंड कंसिडरेबल मोर एक्टिव देन प्रोटोकोडेट्स यानी जो भी हम प्रोटोकोडेट्स प्रोटोकोडेट्स में कौन कौन से आ गए आपके तो सिफेलो हो गया और आपका प्रोटो ये क्या कहते हैं यूरोकोडेट हो गया सिफेलो सीफेलो कोडेट्स एंड कोडेट्स ठीक है एंड देन आपका यूरोडेट्स ठीक है यूरोडेट्स को हमें पहले लिखना था खैर कोई बात नहीं हम लिख देते हैं यूरो कोडेट्स तो ये आपके क्या हैं प्रोटोकोडेट्स हैं ठीक है और जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये एडवांस कोडेट्स है ठीक है तो देन किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए तो यहां पे ये क्या होते हैं पहले के मुकाबले ये जो हमारे प्रोटोकोडेट्स हैं ये जिन्हें हम अर्लीस्ट वर्टिव भी कहते हैं तो देन इनका जो है इसमें काफ़ी ज्यादा लार्जर साइज में आपको देखने होगा हम देखें यूरो कोडेट्स में तो यूरो कोडेट्स में जो आपके स्पीसीस पाए जाते थे वो काफ़ी छोटे होते थे इसी तरीके से सिफेलो कोडेट्स में जो आपके लैंसेंट भी कहते हैं जिसमें कि आपके ये एम्फ्यूक्सिस पाया जाता है तो वो भी क्या है साइज़ में बहुत छोटे होते थे हाँ तीन से सात सेंटीमीटर में भी ऐसे ही था तो ये काफ़ी छोटे होते साइज़ में और हम बात करें बटी ब्रेड्स की जो एडवांस बटी ब्रेड ब्रे, बटी ब्रेड्स हैं वो काफ़ी आपके साइज़ में बड़े होते हैं तो देन मॉडिफिकेशन आपको इनमें क्या देखने को मिलेगा तो स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है और मसल्स जो है एक तरीके से परमिट करते हैं इनके स्पीड को और मोबिलिटी को बढ़ा देते हैं इंक्रीज कर देते हैं तो आपने देखा भी था कि सिफेलोकोडेट में जब हमने एम्फियोक्सस के बारे में पढ़ा था एम

तो एम्फी ज़्यादा मूवमेंट करता नहीं था ठीक है उनमें आ, क्या कहते हैं जस्ट कॉडल क्या कहते हैं फिन वगैरह था बट उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता था ये एक जगह ज़्यादा रहना पसंद करता था जस्ट मिट्टी के अंदर इसी तरीके से यूरो कोडेट्स में भी जस्ट जेट प्रोपल्सन वाला जो सिस्टम होता था तो इस कारण उनमें मूवमेंट हो पाता था है ना तो जस्ट उनमें कोई ऐसा मसल या फिर क्या है स्केलेटल स्ट्रक्चर ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिलता था तो यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे मसल्स और स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और मॉडिफाई भी हो जाता है जिसके कारण इसकी स्पीड और मोबिलिटी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है चाहे हम फिस की बात कर ले फिस में आप देखोगे बड़ी ही तेजी के साथ ये स्विम कर लेती है पानियों में इसको आप क्या छोटी सी मछली पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप आपने कभी मछली पकड़ी नहीं है तो देन बात करें हायर एक्टिविटी लेवल एंड साइज ऑफ वटीब्रेट ऑल्सो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर स्पेशलाइजेशन इन द लोकेशन यानी इनका जो हायर एक्टिविटी लेवल है यानी कि क्या है जस्ट हम अगर हम

प्रोसेस है वो प्रॉपरली चला देते देन इसकी हम बात कर रहे थे क्योंकि आ, बड़े स्पीसीज हैं बड़े साइज में आ, एनिमल्स होंगे इनमें तो ये जो वटी ब्रेड्स ज़्यादा बड़ा साइज होने के कारण इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर्स भी होंगे और साथ ही साथ इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड लोकेशंस भी होंगे जैसे कि अगर हम बात करें कैप्चर और डाइजेशन करना जैसे फूड का है ना और एडप्टेशन डिजाइन टू सपोर्ट अ हाई मेटाबॉलिक रेट और इनका जो एडप्टेशन इस तरीके से बनाया गया है इसके बॉडी का ढांचा इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो सपोर्ट कर सके हाई मेटाबॉलिक रेट को यानी ये ज़्यादा ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट को जस्ट परफॉर्म कर पाए अंदर में जो क्या कहते हैं फाइलोजेनिक फाइलोजेनिक कह रहा हूँ फिजियोलॉजी जो होती है बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं वर्टिव ब्रेड्स में देखने को मिलती है then, then, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिखा है मस्कलो मस्क्यूलो स्केलेटल मॉडिफिकेशन अब ये मस्कुलो मस्कुलो स्केलेटन देखिए मतलब मतलब मसल्स हो गया और स्केलेटल मतलब, किस तरीके से स्केलेटन का, का देखिए अभी हम बताएंगे इसको अच्छे से तो देखिए बहुत सारे जो वटीब्रेट्स होते हैं मोस्ट वटिब्रेट्स वो क्या पोजिस करते हैं बोथ एन एग्जोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन यानी हम वटीब्रेट्स की बात करें देखिए एग्जोस्केलेटन की बात जब भी कभी आती है तो हमें ऑर्थ्रोपोडा याद आ जाता होगा आता है आपको नहीं आता तो मुझे तो याद आ ही जाता है ऑर्थ्रोपोडा का नाम क्यों क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा में जब हमने क्या है जस्ट हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा था तो उसके एक्सोस्केलेटन के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया था है ना जस्ट हम मैंने ये भी बताया था कि अगर आप कॉकरोच को मारो तो वो जल्दी मरता नहीं है क्यों नहीं मरता क्योंकि उसके ऊपर जो कवर होता है बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग काइटिन की जो कवरिंग होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है और जस्ट ये एक्सोस्केलेटन की तरह वर्क करता है यानी उसके अंदर एंडोस्केलेटन जस्ट हमारे जैसे बॉडी के अंदर स्केलेटन पाया जाता है वो भी एंडोस्केलेटन

Then, बात करेंगे हम कुछ वैसे भी हैं जिनके पास क्या है 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 uh, यानी ऐसे वर्टीव, मतलब मतलब जो कि एक most massive, कहने का मतलब है, काफी massive organism है, काफी बड़े-बड़े में आपको मिल जाएंगे इन मोस्ट वटीब्रेड डिस द नोटोकोड आप सभी को मालूम होना चाहिए जैसा कि नोटोकोड आपका आ, हमने सबसे पहले पढ़ा था आ, सिफेलोकोडेटा uh, में तो सिफेलोको सॉरी यूरोडेटा में तो यूरोकोडेटा में जब तक वो एक तरीके से लार्वल स्टेजेस में होता है तो उसके टेल में नोटोकोड आपको देखने को मिल जाता है लेकिन जैसे ही वो सेसाइल हो गया था तो देन उसमें से नोटोकोड क्या हो जाता था गायब हो जाता था देन नोटोकोड का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बाद में बन भी नहीं पाता था उनमें देन इसी तरीके से सिफेलोकोडेट की बात करते तो सिफेलोकोडेट में आपको नोटोकोड देखने को uh, मिलता था, था उसके पूरे लाइफ स्टेज में देन बात कर रहे हैं हम यहाँ पे वर्टिब्रेट्स तो बहुत से वर्टिब्रेट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कि आपके नोटो कोड जो होते हैं मतलब लगभग ज्यादातर आपके जो वैसे जिसमें क्या कर दिया जाएगा रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा तो डिस्क लाइक सेंट्रा द्वारा डिस्क लाइक सेंट्रा द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा और जस्ट वो क्या बनाएगा एंड डोरसल प्रोजेक्शन कॉल्ड न्यूरल स्पाइन आर प्रेजेंट प्रोवाइडिंग द मोर एरिया अटैचमेंट ऑफ द मसल uh, सेगमेंट जैसे कि आपने फिश में देखा होगा फिश में कुछ इस तरीके का इस तरीके का बोनी स्ट्रक्चर होता है यहां पे मैं आपको दिखाता हूं बना के और यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्पाइंस निकले होते हैं इसको हम क्या कहते हैं न्यूरल स्पाइन कहते हैं क्या कहते हैं गाइस न्यूरल स्पाइन ये आपको आ, हर स्पीसीज में देखने को नहीं मिलेगा न्यूरल स्पाइन जस्ट इसमें क्या है मतलब कम मिलेगा अगर हम बात करें ह्यूमन में तो इसमें कम मिलेगा इस तरीके से न्यूरल स्पाइन निकले होते हैं और ये न्यूरल स्पाइन किस चीज़ में हेल्प करते हैं तो यहाँ पे जो मसल्स जो इनके साथ अटैच होगा मसल्स जो एक तरीके से इस तरीके से अटैच होगा इनमें तो ये ज़्यादा अमाउंट में इनके मसल्स अटैच कर पाना ये न्यूरल स्पाइन के ही कारण पॉसिबल हो पाता है ठीक है तो ये अलग अलग एरिया होता है अलग अलग एरिया में इसको डिस्क्राइब करते हैं जस्ट अगर हम तरीके से करें ये जस्ट एक तरीके से है ना ये हो गया कुछ इस तरीके का हो गया है ना तो हमारा भी जो बैकबोन होता है ना कुछ इसी तरह का डिस्क से बना होता है क्या है डिस्क लाइक -like सेंट्रा के थ्रू ही बना होता है तो ये आपका हो जाएगा ये डिस्क लाइक -like सेंट्रा हो जाएगा और ऊपर में आपका न्यूरल स्पाइन हो जाता है है ना और न्यूरल स्पाइन हो गया और यहाँ पे आपका डिस्क हो गया जस्ट सेंटर डिस्क हो गया और यहाँ पे हाइमल स्लिट ऐसे कुछ होता है तो देन कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जस्ट हमारा जो ये क्या कहते हैं हमारे अंदर जो पीछे का जो प्रोजेक्शन होता है डोरसली जो प्रोजेक्शन होता है जस्ट हमारे जस्ट क्या कहते हैं बैक बोन को का फॉर्मेशन करने का काम करता है तो यानी ये जो आपका नोटो कोड होता है ये आपके अब क्या कहते हैं जस्ट अगर हम बात कर रहे थे अभी किसकी बात कर रहे हैं तो ये जो हमारा नोटो कोड है, कर है, है, को कर है को रिप्लेस कर देता है जस्ट डिस्क नहीं सॉरी डिस्क लाइक सेंट्रा जो है नोटो कोड को रिप्लेस कर देता है बैकबोन हमारा नोटो कोड को रिप्लेस कर देता है नोटो कोड गायब हो जाता है और क्या हो जाता है एक डिस्क लाइक सेंट्रा आ जाता है और यही डिस्क लाइक सेंट्रा के कारण ही क्या होता है जो अटैचमेंट जो हो पाता है मसल्स का वो काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे देखने को मिलता है ठीक है तो देन सेगमेंटेड बॉडी की बात करें हम सेगमेंटेड बॉडी जस्ट हम बात कर रहे हैं मायोमर्स की मायोमर्स के बारे में भी मैंने कई बार आप सभी को बता रखा है द सेगमेंटेड बॉडी मसल्स मायोमर्स कहते हैं जब बॉडी के मसल्स क्या हो सेगमेंटेड फॉर्म में हो तो आपने जस्ट फिशेज में देखा होगा जब फिशेज uh, अगर कोई फिश वगैरह खाता है तो कुछ इस तरीके का फिश होता है और ये फिश में इस तरीके का फिश होता है ना और इस फिश में इस तरीके से सेंट्रा डिस्क होता है और यहाँ पे स्पाइंस होते हैं तो यहाँ पे आपको शेप में मसल्स इस तरीके से देखने को मिलेंगे इस तरीके से आपको इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके है ना इस तरीके से इसमें क्या है जस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा इनमें जस्ट हम क्या बता रहे थे अभी तो ये आपको मायोमर्स या मैं बोलू इस तरीके के आ, जस्ट uh, इस तरीके के स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर है ना uh, uh, देखने को uh, मिल जाएंगे ठीक है और ये जो है आपको वी सेब्ड में भी देखने को मिलेगा हम बात करें एनसेस्ट्रल कोल्डेट्स की देखिए वी सेफ्ड आपको ज़्यादातर इनमें मिलेगा देखने को ये जस्ट आपके प्रोटोकोडेट्स होते हैं जो एनसेस्ट्रल कोडेट्स होते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया भी था आप सभी को जो आपके एम्फियोक्सस होते हैं एम तो एम्फियोक्सस की बॉडी में हमें ए, क्या है इस तरीके का वी आ, वी सेव्ड मसल्स क्या है देखने को मिलेगा मायोमर्स देखने को मिलेगा सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा मसल के अंदर सेगमेंटेशन ध्यान रखेगा बात को मसल के सेगमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं इसके बाद यहां पे आपको डब्लू सेव्ड भी बताया गया कि ये डब्लू सेव्ड आपको किन में देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देखिए इसके अलावा जितने भी स्पीसीज होंगे जो वाटर में रहने वाले हैं साथ में ये भी बात को नोटिस करिएगा हम बात कर रहे हैं ये जो मसल्स के ऊपर ये मयोमर्स जो जिनमें देखा जाता है वो आपके ज्यादातर क्या है वाटर एनिमल या एक्वेटिक एनिमल में ही आपको ज्यादातर देखने को मिलता है तो डब्लू सेव्ड आपको किस में देखने को मिलेगा तो ये जो आपके जितने भी शार्क हो गए शार्क ईल ना ये सभी स्पीशीज जो है इनमें आपको क्या है डब्ल्यू सेव्ड मसल्स क्या है वटी ब्रेड्स में देखने को मिलता है देन ये क्या है जस्ट इंक्रीज करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फोल्डिंग इन दी मायोमर्स प्रोवाइड पावरफुल कंट्रोल एंड एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द बॉडी ठीक है जो उसके एक्सटेंडेड लेंथ होता है बॉडी का जस्ट एक तरीके से पावरफुल कंट्रोल एक तरीके से वो अपनी बॉडी पे स्थापित कर सके उसमें उसके मायोमर्स या बॉडी मसल्स के जो उनके क्या कहते हैं सेगमेंटेशन होते हैं वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं क्लियर है तो देन अब हम बात करेंगे एक और यूनिक फीचर होता है आल्सो यूनिक टू जस्ट आर जस्ट ये कट के गया जस्ट मैं बता रहा हूं तो देन गाइस यहां पे हम फिर से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं ये रीस्टार्ट हो रहा है यहां पे आई थिंक समथिंग गोइंग रॉन्ग देन यहां पे देखिए हम बात कर रहे थे कि ये जस्ट uh, मायोमर्स uh, जो है है हाँ ना हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो ऑल्सो यूनिक टू वटीब्रेड्स ठीक है ये आपको किन में देखने को मिलेंगे तो ये जो आपके फिनरेज फिशेज होते हैं ना फिन रेज ऑफ डर्मल ऑर्जिन ठीक है तो ये uh, हाँ ये भी मैं आपको बताने वाला था कि जो वी सेव्ड मसल्स होते हैं वो आपके डर्मल ऑर्जिन के होते हैं और uh, तो ये डर्मल ऑर्जिन के होते हैं ठीक है यूनिक वटिब्रेड आर फिन रे और देखिए क्या सपोर्टिंग फेंस यूज इन स्विमिंग और ये फेंस क्या है जस्ट यूज करते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना जस्ट फिशेस के ऊपर तो ये जस्ट होता है इनका फिन होता है डोर्सल होता है वेंटल होता है कॉर्डल होता है अलग अलग टाइप के फेंस होते हैं जब हम फिशेस में इस क्या कहते हैं मछलियों के बारे में पढ़ेंगे तो देन बहुत अच्छे से आपको क्लियर करके बताऊंगा ठीक है तो ये काफी ज्यादा सपोर्टिंग फीचर एक तरीके से जस्ट स्विमिंग में हेल्प करता है आपने देखा होगा कि इस तरीके का जो फिन है काफी ज्यादा छोटा होता है एम्फी में इस कारण वो क्या होता है ज्यादा बढ़िया से मूवमेंट मूवमेंट नहीं कर पाता तैर नहीं पाता है देन अब हम बात करेंगे एंडोस्केलेटन की यहाँ पे बात की जा रही है तो एंडोस्केलेटन प्रोबेबली वॉज कंपोज इनिशियली ऑफ कार्टिलेज एंड लेटर ऑफ बोन यानी कोई भी एंडोस्केलेटन है अंदर में हमारी बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो और देन उसमें क्या होता है फर्दर उसमें क्या होता है जस्ट uh, एक तरीके से uh, 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 क्या कहते हैं एम्ब्रियो में डिवीजन uh, जब स्टार्ट हो जाए देन उसके बाद जब अलग अलग जो आपके uh, क्या कहते हैं सेल्स होते हैं स्टेम सेल्स से डराइव uh, होने वाले जो सेल्स होते हैं तो यहाँ पे हम बात करें एंडोस्केलेटन की तो इनिशियली ये क्या होते हैं कार्डिलेज के फॉर्म होते हैं आप सभी को मालूम होगा कि बच्चों के शरीर में

यहाँ पे नहीं ये ये नहीं होगा तीन सौ छः दो सौ छः ये नहीं तो देन बात कर रहा था मैं जस्ट ये जो आपका ये जो क्या इनिशियली कार्टिलेज के बने होते हैं कोई भी बोन्स हमारे बॉडी के अंदर जब बना होता है तो ये पैर इनिशियली कार्टिलेज का बना होता है देन ये धीरे धीरे स्ट्रेथन होता है जस्ट मजबूत होता है सॉलिड होता है देन ये आपका क्या है बोन में कन्वर्ट हो जाता है कार्टिलेज जो है इनमें जो बात करें इनके ग्रोथ की तो ये काफ़ी फास्टली ग्रोथ करते हैं और इनकी फ्लैक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है ये मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि कार्टिलेज काफ़ी ज़्यादा आपका फ्लेक्सीबल होता है एंड आइडियल होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्ट स्केलेटल फ्रेमवर्क कोई कोई भी आपके वर्टिटो जो कि स्टेज में हो तो उनमें जो फर्स्ट एक फ्रेमवर्क जो बनना हो एंडोस्केलेटन का वो आ, क्या है आ, ये कहते कार्टिलेज का बना होता है देन इसके बाद आ, बात करें ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया ना बच्चों के शरीर में 306 सौ छह हड्डियाँ और बड़ों के शरीर में दो तो यहाँ पे बोन्स के साथ साथ ज्यादातर जो इसके से होते हैं ना कार्टिलेज के भी बने होते हैं ना तो so, देन ये सारे आपस में कंबाइन होकर आपके इस तरीके के 206 हड्डियां हो जाती हैं ठीक है तो देन बात करें हैं हम एंडोस का लटन ऑफ लिविंग हैक फिश और लैम्प्रेज एंड शार्क इवन अ बोनी इज सच एज स्टर जॉन्स यानी ये मोस्टली क्या होते हैं कार्टलेजिस कार्टलेज cartilage के बने होते हैं ठीक है चाहे हम हैकफिस की बात करें लैम्प्रेस की बात करें या सार्क सार्क आपको मालूम होगा कि ये बोनी फिशेस के अंदर आता है ठीक है कार्टिलेजिस कार्टिलेजिस फिशेस के अंदर नहीं आता बट फिर भी ये क्या होते हैं अपने शुरुआती समय पर यह क्या है कार्टलेज के बने होते हैं बोन जो है मे बी अडेप्टिव इन अर्लीवटी ब्रेड इन सेवरल वेज अभी यानी अगर हम बात कर हैं बोन की तो ये बहुत ही ज्यादा एडेप्टिव होता है अगर बात करें अर्लीवी ब्रेड्स की प्रोटोकोडेट्स नहीं प्रोटोकोडे अर्लीवटी ब्रेड में तो ये कई तरीके से होता है देखिए

ऊपर जो जस्ट एक क्या कहते हैं लेयर जो पाया जाता था जस्ट ये बोनी जस्ट क्या है ये आ, प्लेट जो पाया जाता था है ना जस्ट स्केल जिसे हम कह सकते हैं ना तो ये जो स्केल है बोनी स्केल जो है जस्ट उसको प्रिडेटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता था शिकारियों से प्रोवाइड और काफी ज्यादा इसको बेनिफिट भी होता था ठीक है मोर बेनिफिट इंपॉर्टेंट बेनिफिट देन बात करेंगे हम इसके स्ट्रेंथ की इस स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ बोन की तो ये काफी ज्यादा सुपीरियर होता था अगर एज कंपेरिजन टू द कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज से कव, काफी ज्यादा ये क्या होता था स्ट्रेंथ वाइज काफी ज्यादा मजबूत होता था ठीक है और बात करें मेकिंग इट आइडियल मसल अटैचमेंट इन एरियाज ऑफ हाई मैकेनिकल स्ट्रेस यानी जहां जहां मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्ट्रेस ज्यादा लगता है वहां पे जो इसका अटैचमेंट होता था किसके साथ मसल्स के साथ बोन uh, uh, का तो ये ज्यादा आपको देखने को मिलता है एज कंपेयर देन कार्टिलेज ठीक है देन उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आइडियाज दैट द बोन्स ओरिजिनल फंक्शन मिनरल स्टोरेज एंड यानी पे जो जो बोन्स वगैरह है हमारे बोन्स क्या होते हैं जस्ट मिनरल्स वगैरह को स्टोर करके रखने का काम करते हैं और साथ ही साथ ये होमियोस्टेसिस होते हैं यानी ये क्या होते हैं एक तरीके से बॉडी के अंदर होते हैं और काफी ज्यादा स्थिर होते हैं ये ठीक इनका जस्ट मोमेंट नहीं होता है ना जस्ट uh, एक तरीके से एक ही जगह पे मतलब रह, रहते हैं समझ में आ रही होगी बने किसके होते हैं तो फॉस्फोरस और कैल्शियम के बने होते हैं ना uh, uh, देखिए ये जो बनने के लिए जस्ट इनमें फॉस्फोरस फौ, कैल्शियम जो है आर यूज मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड पर्टिकुलरली हाई डिमांड इन ऑर्गेनिक विध हाई मेटाबोलिक रेट ठीक है तो जितने भी आपके हाई मेटाबॉलिक रेट्स के जो एनिमल्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा डिमांड होता है फास्फोरस कैल्शियम का क्योंकि उनमें जो बोन का फॉर्मेशन होता है वो फास्फोरस और कैल्शियम का ही बना होता है और काफी ज्यादा फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेज भी होते हैं डाइजेशन हो गया एब्जॉर्बन हो गया सर्कुलेशन हो गया है ना तो ऐसी छोटी मोटी तो आप सभी जानते ही होंगे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसिस के बारे में देन यहाँ पे और भी बातें लिखी हुई हैं तो देखिए इस मोस्ट वी ब्रेट पोजिस एन एक्सटेंसिव एग्जोस्केलेटन क्या है एक्सटेंसिव एग्जोस्केलेटन अपने अंदर समाये रखता है वन डेवलप द स्किन ठीक है एक जो है आपका एग्जोस्केलेटन हम बात करें ह्यूमन बॉडी में या फिर मेमल्स में आप ज्यादातर देखोगे इनमें जो एपीडर्मल लेयर और डर्मल लेयर है ना एपीडर्मल और डर्मल लेयर जो है और ये जस्ट पार्ट होता है एंटीग्यूमेंट्री का है ना डर्मल जस्ट पार्ट होता है इंटिगमेंट का और ये जो इंटिगमेंट होता है आप सभी को मालूम होगा हमारा जो 15 परसेंट वेट जो है हमारा इंटगमेंट ही हमारे बॉडी का एक्वायर करके रखता है 15 परसेंट okay? ओके और जो भी हमारा जो मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने का काम या फिर मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम हमारा जो स्किन है वो करता है तो एक तरीके से हमारी ये क्या है एग्जोस्केलेटन का ही वर्क करता है है ना ऐसा तो नहीं है हमारा बॉडी का जो काइटिन का बना हो एकदम लेयर एकदम स्ट्रांग लेयर हो जैसा कि कॉकरोचेज वगैरह में पाया जाता है वैसा तो नहीं है बट यहाँ पे एपिथेलियली टिश्यू हो बट ये क्या है आपको आपके जस्ट अंदर के मसल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने का काम करता है तो बात करें यहाँ पे ऑल दो इट इज हाईली मॉडिफाइड इन मेनी फॉर्म्स क्या है काफी का, काफी सारे फॉर्म्स में ये काफी ज्यादा हाईली मॉडिफाइड आपको देखने को मिलेंगे और सम ऑफ द अर्लीस्ट फिशेस की बात करें जो बहुत पहले जो आपके फिशेस वगैरह हुआ करते थे जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आ, आपके ये क्या के कहते हैं ऑस्ट्रेकोडम्स हो गया और प्लेकोडर्म्स हो गए ठीक है ऑस्ट्रेकोडम्स और प्लेकोडम्स ये आपके वैसे स्पीसीज जो कि क्या है विलुप्त हो चुके हैं गायब हो चुके हैं इनका फिगर अभी आप यहाँ पे देखेंगे काफी ज्यादा ये आ, मतलब ब्यूटीफुल से फेसेस आपको देखने को मिले ये देखिए पार्टली कवर होते हैं किसके थ्रू बोनी और डर्मल आरमोर के थ्रू यानी जो डर्मल ऑरिजिन से बने उसके जो आरमोर ये का प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है जस्ट ये उससे कवर्ड होते थे और ये जो आरमोर जो है बाद में मॉडिफाइड होके आपके क्या बना लेते हैं इसके यानी आज के प्रेजेंट स्पीसीज में हम देखते हैं तो ये आपके जो पहले के जो फिशेज होते थे जो कि एक प्रोटेक्टिव आर्मोर का काम का करते थे आज ये स्केल का काम करते हैं और स्केल आप बात करें तो मोस्ट वटी ब्रिड जो हैं इनके जो प्रोटेक्शन के लिए जो स्केल्स मौजूद होते हैं ये जस्ट ये एपिडर्मल ऑरिजिन के होते हैं क्या होते हैं एपिडर्मल इन्हें हम क्या कहते हैं कैरेटनाइज स्ट्रक्चर होता है ये यानी कैरेटिन प्रोटीन जो होता है ना उसी के बने होते हैं ये ठीक है तो डेराइव किससे होता है ये तो एपिडर्मस आ, लेयर से होता है एपिडर्मिस जिस सबसे आउटर लेयर जो होता है स्किन का हमारा वो एपिडर्मिस होता है इसी तरीके से फिसेस में भी जो सबसे आउटर लेयर जो कि कैरेटनाइज हो, हो, होता है है ना और एक तरीके से बाहरी एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है इसके स्केल को ठीक है तो पहले ये किसके मतलब प्रमेटिव स्पीसीज में ये बोन्स के बने होते थे अब बात करें रेप्टेलियन तो रेप्टेलियन में भी इस तरीके से ही स्किल्स डेवलप हुए फर्दर हमारे मेमल्स में हेयर हो गए और फैदर आपके एविस में हो गए क्लोज हो गए नाखून वगैरह

मिलेगा ये स्पीसीज हो चुके हैं और ये जो है जस्ट ये पहला जो एरा में आपका जो डेवोनियन पीरियड है डेवोनियन पीरियड में यहाँ पर डेवोनियन 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 ठीक है पीरियड के आपके स्पीसीज हैं ठीक है अलग अलग हम एरा में बांटते हैं है ना परमेनियन कार्बो कार्बोनिफेरस परमेनियन सिलोरियन फिर ऑर्डिक क्या है ऑडिविशियन इसी तरीके से कैम्बेरियन है ना तो अलग अलग ये लगभग आपके आ, जस्ट आ, फोर ये एक तरीके से मान लीजिए थ्री फिफ्टी नाइन मिलियन ईयर एगो वाले स्पीसीज हैं ठीक है तो काफी देखिए यहाँ पे लिखा भी है यहाँ पे थ्री ऑस्ट्रेकोडम जो है जो कि ज्वाला स्पीसीज हैं और ये सिलोरियन सिलोरियन और डेवोनियन टाइम्स के ये स्पीसीज हैं और ये जो दिखते हैं एक तरीके से दे माइट हैव अपेयर्ड वाइल्ड सर्चिंग फॉर द फूड एंड फ्लोर ऑफ डेवोनियन सी ये क्या है ये जस्ट आपको डेवोनियन सी जो है उनमें आपको पह, मतलब पाए जाते थे हम बात करें इनके फॉसिल्स इनकी जो खोज भी हुई है तो ये डेवनियन सी के पास ही इसके क्या है फॉसिल्स वगैरह मिले जिसके कारण इनको हम क्या है जस्ट ऑस्ट्रेकोडम्स और इनको हम डेवोनियन क्या कह कहते हैं का हम मानते हैं ठीक है तो ये काफी ये क्या है फ्लोर पे ज्यादातर रह के ये सर्च करते हैं फूड वगैरह को देन एम्प्लॉयड स्ट्रॉन्ग फेरेंजिल पंप टू सर्कुलेट वाटर अब यहां पर क्या है फेरेंजिल पंप पाया जाता है वाटर को सर्कुलेट करने के लिए देन द मच मोर लिमिटिंग मोड ऑफ सिलेरी एक्शन है ना जो कि उसके मतलब जैसे कि नॉर्मली अगर हमने देखा था प्रोटोकोडेट में या इनके एनसेस्टर्स की बात कर ले जो कि आपके एम्फ्योक्स है तो ये क्या है इनमें हम देखते हैं कि सिलेरी एक्शन के थ्रू इनमें क्या होता है पंप होता है जस्ट सर्कुलेशन uh, होता है तो बट यहां पर आपको एक फेरेंजिल पंप मिलता है जिसके कारण वाटर का सर्कुलेशन हो पाता है ठीक है हम वाटर के सर्कुलेशन बात कर ब्लड के नहीं ठीक है तो देन यहां पे आप देख रहे होंगे एक और यहां पे एक फिश है आ, ये जो फिश है ना इसका नाम मैं बता दूं इसका नाम होता है डंग दंक, डंकल 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 इओस्टस ये डंकल इओस्टस जो है जस्ट ये जिन साइंटिस्ट ने खोजा था उसी के नेम पे ही पड़ा था टेरल टेरल ठीक है तो ये इसका इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो आप गाइज यहां पे जो स्ट्रक्चर है इसका जो एक्स है काफ़ी ज्यादा हार्ड हुआ करता था आप देखोगे इनमें तीत लाइक स्ट्रक्चर भी इस तरीके के देखने को मिलेंगे बट ये जो तीत है ना ये आपको जस्ट ये इस टाइप के नहीं मिलेंगे जैसे कि नॉर्मली जो डेंटाइन तीत होती है वैसी नहीं मिलेगी ये जस्ट बोनी एक स्ट्रक्चर जो है जस्ट इसके आ, आउटर क्या है कवर से ही जस्ट क्या है जस्ट जुड़ा हुआ है ना तो ये भी जो फिस है आपकी ये जो ये अर्ली जॉर्ड फिसेज है यानी जो जॉर्ड फिशेज जो आज के समय में पाई जाती है कहीं ना कहीं ये उनके क्या है जस्ट uh, पूर्वज है एंसेस्टर्स है ठीक है ये एंसेस्टर्स है किन के एंसेस्टर्स हैं तो जॉर्ड फिशेस के जिनके पास जबड़ा पाया जाता है जॉर्ड ठीक है जबड़ा जस्ट जबड़ा हिला सके है ना तो देन ये क्या है डेवोनियन पीरियड के हैं जिसमें कि 400 मिलियन ईयर एगो के हैं ये मैंने बताया आपको देन ये जो जॉज हैं और इनमें गिल सपोर्ट जो है है ना फ्रॉम विज द जॉज इवोल्व डेवलप फ्रॉम द न्यूरल क्रैस सेल और ये सारे ही जो इनके अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डेवलप हुए होंगे इवॉल्व हुए हैं जस्ट न्यूरल क्रेस्ट सेल से ये स्टेम सेल होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे स्टेम सेल क्या होता है ठीक है तो ये स्टेम सेल होता है और जो भी डायग्नोस्टिक करेक्टर जो होता है वटिब रेट में कहीं ना कहीं इनमें से ही डेवलप हुआ है मोस्ट प्लेकोडम्स जो है वो क्या होते हैं ड्वेलर्स होते हैं अभी हमने ये ये क्या पढ़ रहे हैं हम प्लेकोडम्स uh, के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्या होते हैं ड्वेलर्स होते हैं जो पानी के नीचे ही अपने भोजन को खोजते हैं और उनको ईट कर जाते हैं ना तो बैंथनिक एनिमल्स को है ना ये काफी बड़े बड़े एनिमल्स को खा लेते थे मतलब इसकी साइज की बात करें तो ये आठ सात से आठ मीटर का लंबा होता था और ये लगभग दो से तीन टन में भी क्या होता है इसका वेट होता है तो काफ़ी एकदम लंबा और काफ़ी क्या के कहते हैं भारी भरकम ये जीव आपको देखने को मिलेगा जो कि एक सार्क को भी चबा जाए ऐसा इनमें स्ट्रेंथ होता है जस्ट हमारी जो हड्डी होती है फीमर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बोन होता है उसको भी ये क्या है एकदम अपने दांतों से ये दांत नहीं कहेंगे जस्ट ये जो आउटर स्ट्रक्चर जो है इससे क्रश कर दे है ना तो काफ़ी ज़्यादा इनमें जस्ट uh, पावर uh, होता है इनके जॉज में देन uh, यहाँ ये क्या है ऑल सम वेयर द एक्टिव प्रिडेटर्स ठीक है जो, जो भी एक्टिव प्रिडेटर्स होते हैं उनको ये ईट कर जाते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है uh, <coughs> एकेथोडियंस uh, जो है ये क्या करते हैं कैरीड करते हैं लेस आर्मर देन प्लेकोडम क्या है ये प्लेकोडम से लेस आर्मर कैरी करते हैं इतना ज्यादा इनके ऊपर कवर वगैरह कवर वगैरह रहता नहीं है देन ये एंटरली uh, क्या है प्लेस्ड आइज एंड प्रोमिनेंट स्पाइंस देखोगे आप इनके ऊपर काफ़ी प्रोमिनेंट स्पाइंस वगैरह और फिंस uh, वगैरह भी निकले होते हैं ये देखिए ये है ये क्या है ए है से ठीक है तो इनमें आपको इतना ज्यादा आर्मर्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा ठीक है मोस्ट वर मराइन बट सेवरल स्पीशीज लिव्ड इन फ्रेश वाटर ठीक है तो ये ज्यादातर मराइन होते लेकिन ज्यादातर स्पीशीज आपको uh, कुछ स्पीशीज जो है मतलब uh, वो क्या है फ्रेश uh, वाटर में भी पाए जाते हैं अब देख बात करेंगे हम फिजियोलॉजी अपग्रेडेशन के बारे में किस तरीके से फिजियोलॉजी अपग्रेडेशन देखने को uh, मिलता है हमें तो वर्टिब्रेड जो है उसके डाइजेस्टिव रेस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है ये मॉडिफाइड हो जस्ट इंक्रीज कर देते हैं मतलब uh, क्या है मेटाबॉलिक डिमांड को इनके इंक्रीज़ कर देते हैं ठीक है जितने भी हमने अभी जो यहाँ पे बताए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में तो ये सिस्टम जो है जस्ट इनके मेटाबॉलिक डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं टेड perforated perforated का मतलब क्या हो छल्लीदार कह सकते हैं या फिर क्या हो आ, पोर्स उसमें हो है ना तो फ्राइनिक्स कैसा होता है छल्लीदार होता है जो कि इवॉल्व मतलब इवॉल्व uh, हुआ है जस्ट एज अ फिल्टर फीडर से है ना जो कि अर्ली कोडेट्स या प्रोटोकोडेट्स में क्या है फिल्टर फीडर पाए जाते थे या परफोरेटेड फ्राइनेक्स भी कहते हैं हम है ना तो ये परफोरेटेड फ्राइनेक्स जो इवॉल्व हुआ है किसी अर्ली कोडेट से है ना इसमें क्या है वो सीलिया का यूज करते थे और म्यूकोस से जस्ट मूव जो वाटर करते थे उसमें क्या है वो स्मॉल सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लिया करते थे लेकिन हम बात कर रहे हैं वटी ब्रेड्स की वटी ब्रेड्स में ये क्या चीज़ हुआ कि ये थोड़े से अलग हो गए तो वर्टी की हम बात कर रहे हैं तो वर्टी में मसल्स का एडिशन हो जाने के कारण फेनिक्स में है ना वो क्रिएट कर देता है पावरफुल पंप फॉर मूविंग वाटर ठीक है एक तरीके से जो वाटर मूव करता था फेनिक्स में उसमें एक तरीके से मतलब फोर्सफुली वो वाटर को क्या है पंप कर सकता था क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया मसल्स आ गए साइड साइड में फ्रेनिक्स के ठीक है जो कि पहले परफोरेटेड फ्रेनिक्स था अब यहाँ पे मस्कुलर फ्रेनिक्स ये बन चुका है अब देखिए क्या है

समझ रहे होंगे आप पहले काम क्या था फिल्टर फीडर प्लस गैस एक्सचेंज का काम होता था लेकिन इनमें फिल्टर फीडर का काम अब खत्म हो गया अब इनमें डायरेक्टली क्या है क्योंकि इनके पास जॉज आ गया या फिर वो ईट भी कर सकते हैं आराम से एनिमल्स वगैरह को खा सकते हैं तो देन इनमें सिर्फ और सिर्फ इनमें क्या है जस्ट फ्रेनेक्स का काम गैस एक्सचेंज करने का रह गया देन अर्ली कॉर्डेट्स जो है वो क्या है जस्ट इनमें जो मूवमेंट होता है फूड का है ना तो अर्ली कोडेट्स मूवड फूड इन गट क्या है विद सीलिया पहले के जो आपके क्या कहते हैं स्पीसीज uh, होते थे यूरो कोडेट्स या सेफेलो कोडेट्स में उनमें ज़्यादातर स्पीसीज थे वो किस तरीके से उनके अंदर बॉडी के अंदर जस्ट मूवमेंट होता था तो अंदर में जो पाइप है उसमें क्या सीलियाज वगैरह इस तरीके से होते थे तो सीलियाज के कारण ही वो आगे की ओर क्या है जस्ट मूवमेंट कर पाता था बट जैसे ही वटिब्रेट्स हुआ वटीब्रेड में क्या है फूड जो है मूव करता है गट के अंदर किसके थ्रू मसल्स के थ्रू ठीक है इसके बारे में आप जानते होंगे ठीक है रिलैक्स एंड जस्ट क्या के कहते हैं स्ट्रेच करके है ना तो मसल्स कुछ इस तरीके से बॉडी के अंदर फूड को आ, गट के आ, मतलब गट में ढकेलता है देन ये जो शिफ्ट जो हमें देखने को मिला अलोंग दी एडिशन ऑफ टू डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना यहाँ पे क्या है दो अलग से आ, आ, क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है लीवर हो गया पेनक्रियाज हो गया इससे पहले हमारा एक ही ग्लैंड था जो कि एंडोस्टाइल था एंडोस्टाइल ठीक है एंडोस्टाइल से याद आया कि कल परसों मैंने एक सवाल पूछा था आ, नहीं कल ही मैंने शायद सा, सा, डाला था इसमें कि जो ग्लैंडुलर ग्रुप जो होता है जिसमें जो कि म्यूकस सेक्रेट करता है तो उस ग्लैंडुलर ग्रुप का नाम बताना है तो बच्चों ने क्या करा है बहुतों ने पेनक्रियाज लगा दिया है और बहुत सारे बच्चों ने फेरेंजल स्लिट्स लगा दिया देखिए फेरेंजल स्लिट्स पे रिलीज होता है म्यूकोज है ना और रिलीज़ कहाँ से होता है तो आपका एंडोस्टाइल से होता है ये चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा जाके एक बार जब आप देख रहे होंगे ना जस्ट उसको क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं आपका जो कम्युनिटी में क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आप जो टिक लगाते हो तो उसको एक बार, एक बार देख लीजिएगा आप जाके ठीक है एंडो स्टाइल लगा लीजिए देन बात कर रहे हैं हम एनेबल वर्टिब्रेड टू मैनेज द इंक्रीज अमाउंट ऑफ फूड इंजेस्टेड ठीक है तो यही चीज कारण क्या है कि यहाँ पे डाइजेस्टिव दो डाइजेस्टिव एक्स्ट्रा ग्लैंड जो आ गए हैं लीवर और पेनक्रियाज जो कि एनेबल करते हैं वर्टिब्रेट्स को कि वो अपने अमाउंट जो है फूड का जो कि इंजस्ट करते हैं उसको वो इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है ज़्यादा यहाँ पे आपके लीवर हो गए पेनक्रियाज हो गए पेनक्रियाज लीवर आपका क्या है ग्लाइकोजिन को स्टोर कर सकता है पेनक्रियाज क्या है आपका तो जस्ट एंजाइम्स वगैरह सेक्रेट कर सकता है तो ये दोनों का जो वर्क है जस्ट एक तरीके से बढ़ा देता है जस्ट व्डी के अंदर जो जो इंजस्ट करने वाला जो फूड का अमाउंट होता है वो उसको इंक्रीज कर देता है देन बात करें वेंट्रिकल थ्री चैम्बर्ड हर्ट जो है इनमें क्या है पाया जाता है जो, जो कि क्या है साइनस वेनोसस प्रेजेंट करता है साइनोसिस वेनोसिस हम किने कहते हैं जो कार्डि आ, क्या कहते हैं कार्डिक चैम्बर जो होता है हार्ट में उनको ही हम क्या कहते हैं साइनोसिस वेनोसिस कहते हैं जो कि आपका एट्रियम हो गया और वेंट्रिकल हो गया ठीक है थ्री चैम्बर्ड हार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे एक आर्ट्रियम और टू वेंट्रिकल में भी शायद मिलता है तो इसी प्रकार से फोर चैम्बड हार्ट में आप देखोगे तो टू आट्रियम और टू वेंट्रिकल देखने को मिलता है ठीक है तो यहाँ पे क्या है एरिथ्रोसाइट्स एंड एरिथरोमोग्लोबिन एनहेंस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ठीक है तो एरिथ्रोसाइट्स जो है ब्लड का पिगमेंट है और हेमोग्लोबिन जो भी है ये भी आपके ब्लड में पाया जाता है तो एक तरीके से एनहेंस कर देता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को ठीक है जो भी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको एनहेंस कर देता है और हेमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल होता है ये आप जानते हो गए है ना आ, तो कुछ इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स के कैरी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम में मदद करता है साथ ही साथ गैसेस का जो एक्सचेंज हो गया और भी सब्सटेंस हो गए वो भी एक तरीके से बढ़ा देता है प्रोटोकोडेट्स में इस तरीके की कोई किडनी नहीं थी आप सभी को मालूम होगा नो किडनी डिस्टिंक अलग से किसी भी तरह का किडनी नहीं पाया जाता था है ना तो ये हो गया और साथ ही क्या है बट वटी ब्रेड पोजिस पियड के पास क्या है ल किडनी पाई जाती है जो कि रिमूव कर पाता है उसके बेटा बलिक वेस्ट को ठीक है प्रोडक्ट एंड रेगुलेट द बॉडी फ्लूड एंड आयन ठीक है और बॉडी के अंदर जो भी फ्लूड वगैरह आय वगैरह है उनको भी रेगुलेट करने का काम करता है ठीक है तो देखिए तो ऐसा नहीं है कि प्रोटोकोडेट में आपके कोई किडनी लाइक स्ट्रक्चर या एक्सक्रेटरी सिस्टम होता ही नहीं था वो जस्ट एक्सक्रेटरी सिस्टम जस्ट इस तरीके से वर्क करते जस्ट सीफोन में ही वो क्या है एक्सक्रीट कर देते थे एक्सकरेंट सीफोन होते थे ना एक्ट्रियम होता था है ना तो उन्हीं में वो क्या करते थे सिक्रेट कर देते थे और वो क्या है एक्सकरेंट सीफोन से बाहर आ जाता था है ना या फिर एंट्रोपोर एंट्रोपोर जिसमें आपका एम्फियोक्सस में पाया जाता था तो उनमें भी आपका इसी तरीके से बाहर आ जाता था लेकिन इसमें स्पेसिफिक हम किडनी क्या कहते हैं एक्सप्रेटरी एक्सप्रेटरी सिस्टम की बात करें तो ये आपका ग्लोबल ट्यूब जो है ये आपको वडी में ही देखने को मिलता है अब हम बात करेंगे न्यू हेड ब्रेन एंड सेंसरी सिस्टम ठीक है एक अलग प्रकार का ही हेड जिनमें आपको क्या है क्रेनियम कवर देखने को मिलेगा साथ ही ब्रेन देखने को मिलेगा जिसमें कोई गैंगेलियंस वगैरह या फिर नर्व्स के प्लेक्सस नहीं होंगे ठीक है यहां पे एक प्रॉपर ब्रेन ब्रेन मिलेगा जो कि ट्राई होंगे अभी मैं बताऊंगा थ्री पार्ट होंगे ब्रेन के ठीक है और साथ ही साथ सेंसरी सिस्टम का भी एक तरीके से निर्माण करते हैं ये देखिए जब वर्टिब्रेट्स जो एंसेस्टर से शिफ्ट हुए तो उनके जो फिल्टर फीडिंग जो है टू एक्टिव प्रिडेशन है ना एक तरीके से क्या था वो प्रेडिशन का काम करते थे और एक तरीके से न्यू से, सेंसरी मोटर इंटीग्रेटिव कंट्रोल्स बिकम एसेंशियल फॉर लोकेटिंग द कैप्चर लार्ज प्रे यानी जब क्या है आपके प्रोटोकोडेट्स जो मतलब एक तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं एक तरीके से वर्टिब्रेट्स बनने जा रहे हैं तो एक तरीके से उन्होंने फ़िल्टर फीडिंग से शिफ्ट कर लिया ख़ुद को इसी तरीके से उनको आ, क्या बड़े बड़े शिकार ढूंढने के लिए बड़े बड़े एक तरीके से उनसे बड़े बड़े साइज उनसे बड़े नहीं मतलब शिकारों को ढूंढने के लिए जस्ट उनको सेंसरी आ, आ, क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स की जरूरत है मोटर्स की जरूरत है साथ ही एक कंट्रोल एक तरीके से अपनी बॉडी पे कर सके वो उनकी जरूरत है जिससे कि वो पैच, मतलब एक तरीके से लोकेट कर पाए कि वो उनके लार्जर प्रे मतलब किधर है मतलब शिकार और शिकारियों से बचने दोनों के में इनके आ, काम आते हैं ठीक है तो देखिए एंटीरियर एंड जो है नर्व कोड का वो कैसा होता है इन हो जाता है एंटीरियर एंड एंटीरियर एंड यानी सिर वाला जो हिस्सा है ब्रेन वाला हिस्सा है ठीक है ब्रेन uh, वाला हिस्सा है, माउथ वाला हिस्सा ब्रेन वाला हिस्सा जो भी कह लें हेड वाला हिस्सा कह हाँ, हेड हेड वाला जो पार्ट है इसको हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं तो ये एनलार्ज हो जाता है यहाँ पे जो नर्व कोड है जो होलो नर्व कोड जो था डोरसल होलो नर्व कोड यहाँ पे एनलार्ज हो जाता है और इनमें इस तरीके से ट्राई पैटाइट इस तरीके के लोब्स टाइप बन जाते हैं ना

तो ये जो फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो है ट्राइपेटाइड ब्रेन जो है ये प्रोटेक्ट किया जा जाता है कार्टिलेजिनियस और बॉनी क्रेनियम के द्वारा देन पियर्ड स्पेशल सेंस ऑर्गन इनमें पाया जाता है जो कि डिज़ाइन इस तरीके से कि वो रिसेप्शन मतलब एक तरीके से इवोल्व हो चुका है ना डिस्टेंस मतलब दूर से भी किसी चीज़ को रिसेप्ट कर सकता है ना तो ये चीज़ इवॉल्व हुआ है साथ ही दिस इंक्लूड आइज विथ लेंसेज अब इनके पास आईज तो आए साथ ही साथ लेंस के साथ आईज आए ठीक है अच्छे से एकदम क्लियर एक, एक तरीके से पिक्चर जो है आ, उनके आंखों से दिख सके तो इसके लिए उनके पास क्या है लेंसेज आए साथ ही साथ इन्वर्टेड रेटिनाज भी हैं एकदम सीधी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसको सीधी दिख सके है ना देन प्रेशर रिसेप्टर्स हो गए और सच एज पेयर इनर ईयर और क्या है डेजिनेटेड फॉर इक्रियम एंड साउंड रिसेप्शन ठीक है तो पेयर्ड क्या कहते हैं इनर ईयर्स हो गए और साथ ही साथ क्या कहते हैं इक्बरियम एक तरीके से साउंड मिल सके एक कान से दो दोनों कान से बराबर साउंड रिसेप्ट हो सके उस तरीके का इनमें एक मतलब फंक्शन हो पाया साथ ही केमिकल रिसेप्टर जो है इंक्लूडिंग टेस्ट हो गए और एग्जीक्यूटिवली सेंसिटिव ऑल फैक्ट्री ऑर्गन ठीक है जो सेंस करने के लिए जो ऑल फैक्ट्री ऑर्गन जिसे हम सोंग के जस्ट किसी चीज़ का पता लगा पाए तो वो चीज़ एक तरीके से इवॉल्व हुआ साथ ही रिसेप्टर ये भी हुआ कि जो वाटर के ही अंदर क्या है डिटेक्ट कर सके वाइब्रेशन को तो बहुत सारी फिशिज हैं जो कि वाइब्रेशन से ही वो फिश का अपने शिकारों का पता लगा लेती हैं साथ ही इलेक्ट्रो रिसप्टर जो होते हैं कुछ फिश में पाए जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट को जस्ट क्या है एज अ uh, मतलब डेट सिग्नल प्रे है ना जस्ट इलेक्ट्रिक करंट से प्रे uh, का सिग्नल जस्ट मालूम कर लेता है मतलब सिंगल प्रे मतलब डेट सिंगल प्रे तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक करंट से डिटेक्ट कर लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को है ना इलेक्ट्रो रिसेप्टर से इलेक्ट्रिक करंट को रिसेप्ट कर पाते हैं किसी भी सिंगल प्रे का है ना देन यहाँ पे और क्या क्या है न्यूरल क्रेस्ट की बात आ रही है देखिए न्यूरल क्रेस्ट एक बार फिर से यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा न्यूरल क्रेस्ट एक्टोडर्मल प्लेक प्लेकोड्स और ऑक्सीजन की बात की जा रही है यहाँ पे देखिए न्यूरल क्रेस्ट की बात करें तो ये जस्ट स्टेम uh, सेल का टाइप है ये क्या होता है एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जो आपके स्टेम सेल्स होते हैं स्टेम सेल्स जो कि बहुत सारे सेल्स को खुद से डराइव करते हैं तो उन्हीं में आपका नाम आता है न्यूरल क्रस्ट सेल न्यूरल क्रस्ट सेल जो है का, इसको स्टेम सेल भी कहते हैं हम ये काफ़ी सारे सेल को डिराइव करता है अपने आप में से जैसे कि हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ वटी ब्रिट जिसमें कि उसके हेड का और भी स्पेशल सेंस ऑर्गन जो है लार्जली जो रिजल्ट होता है किसका होता है टू एम्ब्रॉयनिक इनोवेशन प्रजेंट ओनली इन क्या है वटीब्रिड्स वर्टिब्रेट्स में जो भी आपके एम्ब्रॉयिक मतलब एक तरीके से इनोवे इनोवेशन होते हैं प्रेजेंट होता है एक तरीके से ना तो सभी वर्टिब्रेट्स में इनोवेशन वगैरह होने के लिए तो यहाँ पे न्यूरल क्रस्ट सेल होता है और साथ ही एक्टोडर्मल प्लेकोड होता है तो न्यूरल क्रस्ट जो है कंट्रीब्यूट करता है जस्ट फॉर्मेशन में मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ठीक है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो गए सबसे देखिए मोस्ट ऑफ द क्रेनियम सबसे ज्यादा तो क्रेनियम का यूज होता है ना क्रेनियम तो क्रेनियम का भी फॉर्मेशन ये इनका न्यूरल क्रस्ट सेल करता है उसके बाद फेरेंजल कल्टन हो गया उसके बाद टूट टाइन हो गया और उसके बाद कुछ क्रेनियल नर्व्स जो क्योंकि उसके सिर के हिस्से में जा रहे होते हैं वो हो गया गेंगेलियाज हो गए और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड हो गए इनका भी फॉर्मेशन जो है आपका न्यूरल क्रस्ट सेल करता है साथ ही साथ सचवान सेल्स जो होते हैं वो भी आपके इसी तरीके से एंडो ये क्या कहते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल से ही डिराइव होते हैं अब देखिए इन एडिशन द न्यूरल क्रस्ट रेगुलेट्स क्या करता है जस्ट डेवलपमेंट ऑफ एडजेसेंट टिश्यूज जो भी एडजेसेंट टिश्यूज़ हैं उनको क्या है रेगुलेट करने का काम करता है सच सचैक्स जैसे कि टूथ हो गया और इनेमल हो गया है ना टूथ के साथ आपके मसूड़े होते हैं इनेमल होता है तो ये जो टूथ और इनेमल का हो गया और साथ ही फेरेंजल मसल्स हो गए है ना इनका आपस में किस तरीके से डेवलप हो तो ये भी इनमें ये हेल्प करते हैं देन एक्टोडर्मल प्लेकोड जो है जस्ट ये प्लेट लाइक एक्टोडर्मल होते हैं जो कि एक तरीके से थिकनिंग का काम करते हैं

जस्ट एक्टोडर्मल प्लेकोड्स की तो देखिए दिस गिव्स राइज टू ऑल फैक्ट्री एपिथिलियम यानी ये जो ऑल फैक्ट्री एपिथिलियम का जो राइज होता है वो आपका जस्ट एक्टोडर्मल प्लेकोड से ही होता है एक्टोडर्मल प्लेकोड से ही होता है देन लेंस ऑफ आई हो गया और साथ ही साथ ईयर इनर ईयर एपिथिलियम हो गया है ना और क्या हो गया सम गेंगेलिया एंड क्रैनियल नर्वस हो गए और लेटरल लाइन मेकन है ना मैकेलेक्ट्रो रिसेप्टर ये सभी आपके फॉर्मेशन होते हैं एक्टोडर्मल प्लेकोड के बारे में आगे हम इनको डीपली पढ़ेंगे देन दस द वट ई विद इट्स सेंसरी स्ट्रक्चर लोकेटेड एडजेसेंट टू द मॉथ ठीक है तो सेंसरी स्ट्रक्चर जो होता है जैसे कि जस्ट उसके एडजस्टेंट होता है मॉथ के है ना तो प्री कैप्चरिंग जॉज न्यू एम्ब्रॉनिक टिशूज से ही स्टैम्ब होते हैं फॉर्म होते हैं अब यहाँ पे लास्ट में हॉक्स के बारे में लिखा है यहाँ पे हॉक्स जिन की बात कर लेंगे हम तो गाइज हॉक्स जिन जो होता है हॉक्स जिन ठीक है हॉक्स जिन जो है हॉक्स को हम होम्योबॉक्स जीन होम्योबॉक्स भी कहते हैं होम्योबॉक्स जीन ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होम्योबॉक्स जीन में आपको देखने मिलेगा जो कि एक तरीके से बॉडी को कंट्रोल करते हैं उसके बॉडी प्लान को कंट्रोल करते हैं कोडेट में जो एम्ब्रियो है वो सजेस्ट करता है हॉक्स जीन को अलग अलग हॉक्स जीन हो सकते हैं तो ये क्या है जस्ट डुप्लीकेट बनाते हैं एट अबाउट द टाइम ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द ब्रिड्स यानी हॉक्स जीन क्या करते जस्ट डुप्लीकेट करते हैं जीन का जस्ट एक तरीके से कॉपीज प्रिपेयर करने का काम करते हैं है ना टाइम ऑफ दिन ऑफ दर्टीब्रेट जब वर्टिब्रेट्स का जब कभी ऑरिजिन हो रहा था तो तभी ये जीन्स वगैरह एक तरीके से डुप्लीकेट बनाने का काम करते हैं एम्फ्यक्स और इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो हैव एनली वन कॉपी यानी हम बात करें प्रोटोकोडेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में आप देखोगे सिर्फ एक ही कॉपी यहां पे बनती है हॉक्स जीन की ठीक है इसी प्रकार से हम बात करें लिविंग uh, गैथोस्टोम्स uh, uh, और क्या है uh, जितने भी आगे के जो स्पीसीज हैं ग्नेथोस्टोम्स में आगे आपके पीसिज हो गए और आपके uh, जस्ट जॉर्ड क्या uh, कहते के हैं टेटरपोर्ट्स हो गए है ना तो ये चार कॉपीज बनाती हैं जीन्स की ठीक है तो ये एडिशनल कॉपीज जो होती है हॉक जीन की वो क्या है रिस्पॉन्सिबल होती है इवोल्यूशन में ठीक है जो चेंजेस आ रहे होते हैं वटी ब्रेड्स में या फिर उसके करेक्टर्स में तो वो चेंजेस आपके ये जो चार जीन्स जो है मतलब uh, चार में से जो तीन जीन्स है वो एडिशनल जो कॉपीज़ है वो रिस्पॉन्स

एग्नेथा और दूसरा आपका होता है ठीक है पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया लिख रहा हूं इधर पीछे की ओर सरकता जा रहा है खैर देखिए एग्नेथा में वैसे फिशेस होंगे आपके जो कि आपके जॉलेस होंगे क्या होंगे जॉलेस फिशेस जितने भी होते हैं वो आपके एग्नेथाम पाए जाते हैं लैम्परे का उदाहरण है यहाँ पे लैंपरे आपके जॉलेस फिश होता है ठीक है ईल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है इसी तरीके से गनाथोस्टोमेटा की बात करें तो ये इनके पास जॉड जॉ होता है तो इनको हम कहेंगे जॉड स्पीसिस कह सकते हैं ठीक है इसमें फिशिस ही नहीं आएंगे सिर्फ और भी मैं बताऊंगा जॉड स्पीसिस जैसे कि हमारे पास भी हमारा जॉज है मौजूद तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके दो पार्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं सुपर क्लास कह सकते हैं ये सुपर क्लास में डिवाइड हो जाते हैं सुपर क्लास कहाँ भाग रहा है भाई सुपर क्लास तो देखिए सुपर क्लास देखिए राइटिंग पे उतना जाइएगा मत यहाँ पे अभी यहां पे कुछ इश्यू हो रखा है इसके साथ इस कारण यहां ये यह आगे पीछे हो रहा है खैर यहाँ पे सुपर क्लास में हम बात कर रहे थे तो सुपर क्लास में पाइसेस पी आई एस पाइसेस और साथ में पाइसेस की स्पेलिंग पी आई एस सी एस -E ठीक है आ, टेट्रा हो गए टेट्रा पोर्ट्स ठीक है टेट्रापो तो गाइस देखिए यहाँ पे पेसेज हो गया और टेट्रापो देखिए पाइसेस को भी हम दो अलग क्लास में बांटेंगे यहां पे हम एक कॉन्ड्रोकाइट हो गया और दूसरा हमारा होता है ऑस्टियोकाइट्स क्या है ऑस्टियोकाइट्स यानी बोनी फिश और कार्टिलेजिस फिश आपके दोनों जो है पाइसेज में ही आते हैं हा? ये जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं आपको तो याद ही होगा ऑस्ट इट्स काइट्स ठीक है बोनी फिश और कार्टिलेजियस फिश टेट्रापोड में आपके क्या क्या आ जाएंगे तो टेट्रापोड में जो जिनके पास लिम्स होते हैं जो लिम बियर करते हैं लिम्स बियर करते हैं वो आपके टेट्रापोड्स में आते हैं चाहे हम एविस की बात कर लें चाहे हम बात कर लें रेप्टाइल्स की बात कर लें रेप्टाइल्स चाहे हम बात कर लें जस्ट आपका क्या है एम्फीबियंस की बात कर लें या फिर हम बात कर लें मेमल्स uh, की ठीक है ये सभी आपके किस में आते हैं टाइटरापोर्ट्स में आते हैं क्लियर है तो बहुत ही आसान सा क्लासिफिकेशन ये सारे क्लास हैं आपके हैं तो कुछ इसी तरीके से हम ये तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे आपका एस ए क्यू फोर है और एसए क्यू फोर में आपका यहाँ पे लार्वेशन को जस्ट क्या है आ, पूछा गया है कि मोड ऑफ फीडिंग जो है किस तरीके से अडोप्ट करा गया है तो इसको भी हम बताएंगे देन उसके बाद यहाँ पे आपका फिलिंदा ब्लैंक्स है उसके बाद आपको यहाँ पे समरी मिल जाएगा और यहाँ पे टर्मिनल क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे ठीक है तो इन सभी को मैं आपको करवा दूंगा जस्ट uh, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इनके इनके क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियो लेके आ पाऊं देन बात करें आज की जो वीडियो है इतनी ही है और अगला जो टॉपिक होने वाला है हमारा यहाँ पे हम क्रैनेटा में एग्नेथा के बारे में पढ़ेंगे देन उसके बाद ग्नेथोस्टोमा और गैथोस्टोमेटा में पीसेस के बारे में और पीसेस के बाद हमारा और भी बहुत सारे टॉपिक है ठीक है रेप्टाइल हो गया एम्फीबियन हो गया मैमल हो गया तो बस यहाँ पे अब, अब स्टार्ट हो चुका है जस्ट हमारे वर्टी का ठीक है तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे समझ में आया होगा अगर जहाँ भी आपको कहीं दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करके जरूर जाइएगा देन आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय